हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइव वेज इन विच वी कुड मैनेज आर टाइम मोर एफिशिएंटली। और ये पांच तरीके मैंने खुद अप्लाई करे हैं तब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तो चलते हैं। फर्स्ट इज़ प्लानिंग योर डे इन एडवांस। प्लानिंग योर डे इन एडवांस हेल्प्स अ लॉट, मतलब बहुत बहुत हमारा टाइम इससे मैनेज होता है। जैसे कि मुझे आज कुछ काम करना है तो मैं इसकी टू डू लिस्ट कल रात को ही बना के रख लूँगी, चाहे वो कुछ भी काम हो, मुझे कोई असाइनमेंट पूरा करना हो, मुझे कहीं जाना हो, कुछ कर और स्पेशल काम करना हो, मैं सब चीज़ उस टू डू लिस्ट में लिख लूँगी। ताकि और जब मैं जैसे ही कोई काम करती जाऊँगी मैं उसको चेक लिस्ट करती जाऊँगी। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है, इससे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, हमें रिमाइंडेड रहता है कि हाँ हमने इतने काम कर लिए और इतने काम हमें करने हैं। तो काफ़ी अच्छा तरीका है हमारे टाइम को मैनेज करने का। और हमें सेकंड इज़ सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड वर्क अकॉर्डिंगली। मींस हमने जो टू डू लिस्ट बनाई है ये इसका ही एक्सटेंशन है, जो भी टू डू लिस्ट बनाई है उसमें हम प्रायोरिटीज़ भी सेट करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पास सेट प्रायोरिटीज़ होंगी कि हमें क्या काम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या काम उससे कम इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा उस टू डू लिस्ट को कि काम को कम्प्लीट करने में। जैसे कि जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है मैं पहले उस काम को करूँगी, क्या होगा हमारा जो टाइम है हम बाकी का टाइम और अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। हमारे माइंड में ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमने डिफ़िकल्ट काम या हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वो पहले कर लिया है। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टाइम और अच्छे से मैनेज होगा, जो जैसे हमारा पहले हो रहा था उससे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। थर्ड इज़ टाइम ब्लॉकिंग योर टास्क। टाइम ब्लॉकिंग मतलब कि हमें कोई भी टास्क करना हम उसे टाइम ब्लॉक करें कि हमें ये टाइम मतलब ये जो टास्क है ये कितने टाइम तक करना है, कितने किस टाइम करना है। तो मुझे कोई असाइनमेंट पूरा करना है या प्रोजेक्ट पूरा करना है तो मैं उसे टाइम बाउंड कर दूं कि मुझे 2 घंटे में ये टाइम करना है। तो इससे क्या होगा हमारा माइंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा उस काम पर और बाकी की जो चीज़ें हैं मतलब मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस चीज़ के लिए मैंने अपने लिए इतना टाइम डेडिकेट किया है और मुझे उसमें कंप्लीट करना है। तो मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या फिर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से दूर रहूँगी, मतलब मेरा माइंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा और कॉन्शियसली मैं उस काम को अच्छे से कर पाऊँगी। फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोटेक्ट योर टाइम। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बाकी के सारे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं वो एक चीज़ है, लेकिन अगर हम अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम पूरे दिन अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्ट योर टाइम मतलब कि हम हर चीज़ को हम येस नहीं कह सकते। हमें किसी का कॉल आ जाता है, कोई मतलब हमारा इम्पॉर्टेंट काम है उसी टाइम पे वो कॉल आ रहा है तो हम उस कॉल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, इस पे हमें पता है कि हम हमारे लिए कोई और काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस मिलने जाने से, तो ये हमारा कहीं ना कहीं टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम अपने। और इससे क्या होगा हम रैंडम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि हमारा जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई है या फिर हुई है लेकिन हम उतना अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं, हमने जल्दी जल्दी कोई काम कंप्लीट कर दिया है बस एक टिक मार्क लगाने के लिए। तो हमें ना कहनी भी आनी चाहिए जब हमें लगता है कि ये हमारा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस फ़ोन कॉल से या उस इंसान से मिलने से ज़्यादा या फिर कुछ भी और रैंडम एक्टिविटी से ज़्यादा, तो हमें उस चीज़ पर स्टिक करना चाहिए। स्पेशली आप टू डू लिस्ट में हम अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी इन्जॉयमेंट की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कुछ टीवी सीरीज़ देखनी, कुछ भी देखना है, तो हम उस चीज़ को टाइम बाउंड करें उसे भी उसी तरीके से ताकि इन्जॉयमेंट भी रहे, हमें ये गिल्ट भी ना हो हमने इन्जॉयमेंट नहीं करा अपने डे में और हम अपना काम भी पूरा एफिशिएंटली पूरा कर पाएँ। फोर्थ इज़ इन्जॉइंग माइंडफुली। मतलब इन्जॉइंग माइंडफुली हम इन्जॉयमेंट करना शुरू करते हैं लेकिन देखते हम वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इन्जॉयमेंट में और फिर हमें रियलाइज़ जब होता है, जब बहुत देर हो जाती है हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया होता है। तो इन्जॉयमेंट ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम उसे माइंडफुली करें। इससे क्या होगा हमारा इन्जॉयमेंट रहेगा लेकिन हम उस चीज़ को ओवर एक्सटेंड नहीं करेंगे जितना हमें करना चाहिए, जितना हमें नहीं करना चाहिए।
तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने इंजॉयमेंट की सीरीज़ को भी, जो भी हमारी टू डू लिस्ट में, उन्हें भी इंक्लूड करें और उन्हें माइंडफुली करें, उनके लिए टाइम डेडिकेट करें, लेकिन लिमिटेड टाइम डेडिकेट करें, जिससे हमारा सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए वो डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी। जब हम सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ हमने ये चीज़ कर ली, तो हम अपने बाकी के कामों पे भी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। योर टाइम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि प्रोटेक्ट, जहाँ आपने अपने टाइम को प्रोटेक्ट कर लिया, आप जानते हैं आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है, और आप जानते हैं उस इम्पॉर्टेंट टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अभी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। That's all for the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।